बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 10th क्लास पाक स्टडीज़ के 10 अहम तफसीली सवाल देखेंगे। तो इस दफ़ा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 से मुकम्मल क्वेश्चन बनेगा और चैप्टर 7 और चैप्टर 9 से आधा आधा पार्ट आएगा, यानी एक मुकम्मल क्वेश्चन उसका ए और बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 7 और 9 से। तो मैक्सिमम बोर्ड्स में चैप्टर 6 और चैप्टर 8 से मुकम्मल क्वेश्चन आएगा, लिहाजा ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 6 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। ये चार क्वेश्चन आपको लाजमी आने चाहिए, उसके बाद यूनिट नंबर 7, क्योंकि पहले 6 और 7 से मुकम्मल क्वेश्चन आते थे, यानी एक मुकम्मल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से आता है, एक 7 से। इस दफ़ा एक 6 से आएगा और एक 8 से आएगा, फिर भी आपने एहतियातन चैप्टर नंबर 7 भी करना है, कम अज़ कम इसके दो क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद अगर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, मसला है कश्मीर वाला, लेकिन 2 और 11 इनको एक दफ़ा आपने देख लेना, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 6 के मुकम्मल अगर कर लें तो बेस्ट हैं, लेकिन उसके चार आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, यहाँ से भी एक मुकम्मल तफसीली सवाल पूछा जाएगा, तो इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, तो चैप्टर नंबर 6 के 4 ये लाजमी करने हैं और चैप्टर नंबर 8 के 4 आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। तो दो मैंने बताए हैं चैप्टर नंबर 7 के, उनको आपने देख लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।